पत्रकार नहीं तो आप लोग हटे, पत्रकार नहीं तो आप लोग हटे। अभी अभी पप्पू यादव से जुड़ी हुई एक और खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि पप्पू यादव डीएमसीएच में इलाजरत थे, हालांकि उन्हें इलाज कराने की सारी सुविधाएं कहा जा रहा था कि दी जा रही हैं। इस बीच में पप्पू यादव लगातार डीएमसीएच प्रशासन के सुविधाओं से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। इन सब बातों के बीच में आपको बता दें, उन्होंने डॉक्टर से आग्रह किया था कि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने एक चिट्ठी के माध्यम से जो कुछ भी कहा था वो खबरों के माध्यम से हमने आपको बता दिया था। अब जो स्थिति सामने आ रही है कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा था कि जितने तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, अगर डीएमसीएच प्रशासन उनके इलाज को नहीं कर पा रही है तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेवारी या तो अस्पताल प्रशासन की होगी या फिर जिला प्रशासन की होगी। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि जिला प्रशासन डॉक्टरों को भी परेशान कर रहा है और डॉक्टरों के इलाज में भी बीच में नुक्ताचीनी निकाल रहा है और ठीक ढंग से इलाज नहीं करने दे रहा है। इन सब बातों के बीच में उनके द्वारा लिखे गए जो चिट्ठी थी, उस चिट्ठी के बाद आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अपनी ये जाँच दरभंगा के एक प्राइवेट अस्पताल में कराई है और प्राइवेट अस्पताल में कराने के लिए वो पहले से ही बोल रहे थे। लगातार उन्होंने कहा था कि वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के नेतृत्व वाले मेडिकल बोर्ड ने उन्हें पटना भेज दिया है। आपको बता दें, इससे पहले पप्पू यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा था कि उन्हें अगर संभव हो तो दिल्ली के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्हें लगता है कि बेहतर इलाज हो पाएगा और वो अपने डॉक्टर से संपर्क भी कर पाएंगे। इस बीच में आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अपनी जांच दरभंगा के एक प्राइवेट अस्पताल में कराई है, जिसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उनकी परेशानी को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने उनके लिए यह निर्णय लिया है कि उन्हें पटना भेज दिया जाए। उनकी हालत के बारे में बात करते हुए डॉक्टर उमेश चंद्र ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उनकी रिपोर्ट देखते हुए उन्हें दरभंगा में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। दरभंगा से उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने तबीयत खराब होने के बाद काफ़ी कुछ आग्रह कर रहे हैं, डॉक्टरों के आग्रह के बाद खाना तो खाना शुरू कर दिया था, फल भी ले रहे थे, 24 घंटे से वो खाना खा रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि उन्हें कई धाराओं में दंड प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन सब के बीच में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री रास बिहारी दुबे एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह द्वारा पिरबहोर थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। माननीय सांसद एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अधिसूचित आपदा काल में विधि व्यवस्था संधारण के बाद पहुँचाया गया है। इधर पप्पू यादव के कार्यकर्ता भी काफ़ी आक्रोशित हैं और वो लगातार पप्पू यादव के कार्यों को कर रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि पप्पू यादव को जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों, अपने परिजनों को बताया था कि उनके कार्य को जारी रखें, इन सब के बीच में यहाँ एक तरफ परेशानियाँ बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको अगर बता दें तो पप्पू यादव को अब डीएमसीएच से पटना के लिए भेजा जा रहा है। अब इसके बाद क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि घटनाएं हर घंटे बदल रही हैं और हर घंटे बिहार की सियासत भी बदल रही है। पप्पू यादव मामले में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब नया अपडेट हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि डीएमसीएच के डॉक्टरों ने फैसला लिया है कि पप्पू यादव को पटना शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उन्हें बेहतर इलाज प्राप्त होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।